नमस्कार, आप देखें फटाफट फ्यूचर। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट से डेलो दिन के सबसे निचले स्तर पर बाजार कारोबार करता हुआ इस वक्त। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत अच्छे नहीं थे। यूरोपियन मार्केट्स, वॉल स्ट्रीट, रेस्ट ऑफ एशिया सुबह अगर आप देखें बहुत बहुत पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एसएनपी 50 फ्लैट था। लेकिन यकीन मानिए ये 75-50 ये एक बार फिर से क्रिटिकल सप्लाई जोन, एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के उभरा। बाजार ने वहां से यूटर्न लिया, लेकिन आज के यूटर्न में अगर आप देखें सबसे गंभीर चीज ये थी कि हमने 7500 को वॉलेट किया। 1744 पे आज इंडिया वेक्स थोड़ी हरकत अगर आप देखें ऑप्शंस में आई है, वॉलिटिलिटी बाजार में बड़ी है। और निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें 7 लाख से ओपन इंडेक्स जुड़े हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 7475 इस जोन को निफ्टी ने, जो कि एज पर द, अगर आप पिछले 4 सेशन के पुट राइटर्स के कॉन्फिडेंस को देखें, बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट बन रहा था, उसको वॉलेट नहीं किया फॉर द टाइमिंग। तो इन लाल निशानों के बीच में भी अगर आप देखें बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव है। अगर आप एक बार कॉल पर आइए एग्जैक्टली, अगर आप देखें कॉल्स में क्या हो रहा है, 7500 की कॉल में अगर आप देखें 5,76,000 की कॉल में लगभग 6 लाख, कॉल पर एक बार फिर से 1700 की कॉल में करीब 4.5 लाख, यानी कुल मिला के आप देखिए तो कॉल राइटर का जो कॉन्फिडेंस है वो बना हुआ है। कॉल राइटर का कन्विक्शन बोलता है कि मैं तो कॉल बेचूंगा, अभी मेरे को लगता नहीं है कि 7580-7600 टूट जाएगा हार्ड लेवल पर, उसका कन्विक्शन कहता है। पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, देखिए पुट राइटर पिछले कुछ सेशन में खिसके थे, लेकिन आप आज 7500 की पुट को देखिए, वहां पे 2 लाख, 7400 की पुट में 6 लाख और 7300 की पुट में 1,70,000। तो हेजिंग के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा काम काज आज 7400 की पुट में हुआ है, क्योंकि निफ्टी ने एक अटैम्प्ट लिया था, लेकिन अभी वक्त है, निफ्टी के पास अभी वक्त है, बहुत वक्त है, अभी कम से कम 3 घंटे का वक्त है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि 7480 एक क्रिटिकल सप्लाई जोन, एक डिमांड जोन है, एक सपोर्ट है। मेरे साथ गौरव नाड़े हैं बात करने के लिए। गौरव नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरव, निफ्टी पर आप क्या करेंगे, प्रेशर तो आ रहा है 7550 से। मैं निफ्टी का ट्रेडर हूं, मान लीजिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा हूं कि 7580 के ऊपर लॉन्ग करूं, लेकिन अब तक वो स्कोप नजर नहीं आ रहा है। इस जोन में क्या लॉन्ग करना बनता है या फिर आप शॉर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे अब? जी हाँ, फिलहाल एकदम शॉर्ट टर्म में तो क्लियरली बहुत ही ज्यादा रिबाउंड मूवमेंट चल रही है। 7550 पर जब भी निफ्टी अटेंड कर रहा है उसके ऊपर क्लोज दे, अच्छा खासा सप्लाई प्रेशर दिखाई दे रहा है और छोटे मोटे जो भी करेक्शन आ रहे हैं उनमें डिमांड भी दिखाई दे रही है, जैसे कि आज 7480-7475 जोन में फिलहाल नजर आ रही है। हमारे हिसाब से जो कल का कैंडलस्टिक भी बना हुआ था वो थोड़ा बहुत कॉशियस कैंडलस्टिक था। हालांकि आज जो बैंक इंडेक्स का अभी तक के आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है वो एक कॉन्ट्रा सिग्नल है ऑन द अदर हैंड। सो फिलहाल तो हमको एक साइडवेज ट्रेंड ही नजर आ रही है जिसमें थोड़ा नेगेटिव टिंज फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर हुए हमारे हिसाब से तो उसको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 7420 तक का मूवमेंट पॉसिबल है, 7480 ब्रीच करेगा तो प्रॉबेबली ऑन अ सस्टेन बेसिस एक थोड़ा ट्रेड इंट्राडे मोमेंटम भी शुरू हो सकता है। तो 7420 तक के जा सकता है निफ्टी इस पर्टिकुलर लेग में, और जिसके लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि 7530 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो एज आई सेड, ये स्ट्रिक्टली कोई अगर कंपल्सिव ट्रेडर है तो उसके लिए है, बाकी तो हमको ऐसा लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा निफ्टी फिलहाल। जी हाँ, देखिए आज के सेशन को देखिए और आज के सेशन को देखने के बाद गौरव की तो एटलीस्ट कॉल है, याद रखिएगा टारगेट 7420, स्टॉप लॉस करीब 7535 का, यानी आज का जो हाई है वो स्टॉप लॉस लेके, देखिए 7420 इन्होंने अपना टारगेट लिया है। और मैं आपको इनफैक्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज अगर आप देखें ऑलमोस्ट मंगलवार है, बीते बृहस्पतिवार को भी बाजार ने लो लगाया था इतना ही 7447, लेकिन उस दिन की लोअर शेडो काफ़ी बड़ी थी, दैट मीन्स प्राइस नीचे गया लेकिन टिक नहीं पाया। तो अपने टारगेट्स को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हाँ मैं यहाँ पे आके कवर कर लूँगा, ऊपर मत छोड़िएगा वहाँ पे आके। शॉर्ट कॉल है गौरव की, 7420 का यहाँ पे टारगेट, 7535 का स्टॉप लॉस है। अजीत मिश्रा भी हमारे साथ हैं, उनका भी एक मैंडेट लेते हैं कि वो निफ्टी पे क्या कर रहे हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, आप निफ्टी पे क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम डे लो पर कारोबार कर रहे हैं इस वक्त। शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए नो डाउट थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर आया है बाजार में, बट एक जिस तरीके का अप मूव आया था लास्ट वीक में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस हुआ। 7480 का जो लेवल था वो काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस था, उसको कल टेस्ट करने के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। मुझे लगता है जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आपने नोटिस किया होगा तो बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसकी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, तो डिक्लाइन को यूज करना चाहिए पर एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो कहीं भी 7460 के अराउंड पे आपको निफ्टी मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 7430 का एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 7520-7540 तक के टारगेट के लिए। फ्यूचर आपका आज इंडसइंड बैंक काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे करंट लेवल से बाय रिकमेंड कर सकते हैं। 9-10 का स्टॉप लॉस रहेगा 960 तक के टारगेट के लिए। ओके, शुक्रिया आपका। आपके दो ट्रेड्स हैं, आप देखिए
निफ्टी के इनकी राय है कि ये बाय करके चलेंगे विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 75-20 74-30 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप देखें मिरर इमेज है, बस ये है कि मिरर उल्टा रखा है, उनके टारगेट उनके स्टॉप लॉसेज है, उनके स्टॉप लॉसेज उनके टारगेट है। और इनकी देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक पे बाय है, 960 का लक्ष्य है, 910 का स्टॉप लॉस। देखिए एक चीज़ तो है, प्लीज़ जरा दीपक एक बार जरा निफ्टी के और बैंक निफ्टी के क्रॉस चार्ट दिखाइए। आज डाइवर्जेंस है, क्लियर कट डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इन द सेंस कि निफ्टी कुछ और कर रहा है और बैंक निफ्टी कुछ और कर रहा है, और इसी के लिए दोनों ही इंडिसेस इसी के चलते स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जिसे कहते हैं ना, असमंजसता, स्पष्ट नहीं है कि ट्रेंड क्या होगा, क्योंकि एक कुछ और कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है, एक क्या कर रहा है अपने इस दौर के रेजिस्टेंस के पास है और एक इस दौर के अपने सपोर्ट के पास है। याद रखिए 15,450 एज पर द ऑप्शन राइटर का जो कॉन्फिडेंस है, 15,400 के कॉल राइटर का, 15,500 के कॉल राइटर का ये निकला तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मूव डील तैयार होगा। तो इसीलिए इन्होंने जो इंडसइंड बैंक है लॉन्ग किया है। मैं कुछ देर में आपको निफ्टी बैंक के स्टैटिस्टिक्स दूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए आशीष अन्नानी हैं। आशीष नमस्कार, निफ्टी डेरो पर बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, आपकी राय क्या है निफ्टी पर, क्या करेंगे आप? देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे डाइवर्जेंस बिल्कुल दिख रहा है, बैंक्स में तेजी दिख रही है जो कि एक सरप्राइजिंग है, बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी एक रेट कट की बहुत ज्यादा उम्मीद बन चुकी है। निफ्टी में मेरे ख्याल से तो सेल ही करना है, क्योंकि मार्केट इज ओवरऑल ऑन वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी की यूएस फेड क्या डिसीजन लेता है। ऑल्दो कोई नई बात नहीं रहेगी, यूएस फेड अगर इसमें रेट इस बार इंक्रीज नहीं करता और एकदम स्टेबल रखता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे निफ्टी को सेल करना चाहिए, 7530 का एक स्टॉप लॉस रखे, बट 7410 तक के टारगेट्स मुझे आगे आने वाले समय में दिखते हैं। ओके, आपका यहाँ पे 7410 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस आपका 7530 का, चलिए ठीक है। आपका स्टॉक कौन सा होगा? ग्लेनमार्क पे मेरा सेल रहेगा, ओवरऑल आज फार्मा बहुत ज्यादा बियरिश है, ग्लेनमार्क मुझे लगता है कि अभी ये कैचअप करना बाकी है, जो यहाँ से गिरेगा 827 का स्टॉप लॉस रख के सेल करें, और 797 का टारगेट मुझे आगे आने वाले समय में दिखता है ग्लेनमार्क फार्मा में। चलिए शुक्रिया आपका। आप ग्लेनमार्क पे अगर आप देखें, पूरे फार्मा क्षेत्र की आज अगर आप देखें हालत खराब है, 797 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 827 का, सेल ग्लेनमार्क फार्मा। रितेश जैन अब हमारे साथ हैं बात करने के लिए। रितेश गुड आफ्टरनून, रितेश निफ्टी पर क्या कर रहे हैं आप? निफ्टी में देखें तो 7490 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म चार्ट से यदि देखें तो फाइलिंग वेज का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसके कि ब्रेकआउट से हमें ब्रेकआउट नीचे में मिलेगा तो निफ्टी नीचे में हमें 7430 तक भी देखने को मिल सकती है। तो मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी सेल करके चलने की रहेगी, या तो करंट प्राइस से या किसी भी राइस से सेल करें, स्टॉप लॉस 7510 7515 के ऊपर का मेंटेन करें, और नीचे में टारगेट 7450 से 7440 तक के देखने को मिलेंगे। चलिए ये आपकी निफ्टी पर रहा है, आपका 7450 का छोटा टारगेट है और छोटा स्टॉप लॉस है 7510 का। आपकी स्टॉक फ्यूचर पे कोई कॉल? स्टॉक में देखा तो एशियन पेंट्स में मेरा एक सेल का कॉल रहेगा, एशियन पेंट्स में कंटिन्यू दो दिन से हम देख रहे हैं कि टॉप पे ट्रेड कर रहा है और कैंडल्स नेगेटिव कैंडल्स हमने डेली चार्ट पे फॉर्म होते हुए देखा है, तो यहाँ पे अभी 890 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे भी सेल कॉल रहेगा 890 करंट मार्केट प्राइस, या थोड़ा सा राइस पे इसको सेल करके चले, स्टॉप लॉस 910 के ऊपर के लगाना है, और नीचे में टारगेट 875 से लेकर 865 तक के देखने को मिलेंगे। ओके, आपकी यहाँ पे सेल कॉल है एशियन पेंट्स पे, 875 का लक्ष्य है, 19 का स्टॉप लॉस है। देखिए इस ट्रेड की मैं आपको जरा एक बार बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस बातचीत के लिए, जरा एक बार फिर से एशियन पेंट्स के ट्रेड पे आइएगा। देखिए ये अपने आप में बहुत रिस्की ट्रेड भी है और बहुत फ्रूटफुल ट्रेड भी है। रिस्की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बाजार के सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे मजबूत स्टॉक, और वो स्टॉक जो कि अपना ऑल टाइम हाई कभी भी क्रिएट कर सकता है, आप उसको शॉर्ट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक राइडर जोड़ देता हूँ देखिए आपके बेनिफिट के लिए, और ये एक बहुत एग्रेसिव कॉल है। और एक बार जरा निफ्टी का मैंडेट क्या बनता है इस कार्यक्रम में अब तक, आइए देखते हैं एग्जैक्टली। देखिए मैंडेट जो भी हो, शॉर्ट लॉन्ग, उसमें आपको अपना कन्विक्शन भी जोड़ना पड़ेगा। भाई मैं क्या मानता हूँ, सिर्फ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आपने उनका आउटलुक देखा, लेकिन मोर और लेस आप देखिए कि रेंज वही है, टारगेट 7420 शॉर्ट, टारगेट 7520 लॉन्ग, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस और जो टारगेट्स हैं उनकी पैरिटी सेम है। जोन अगर आप देखें, एग्जैक्टली अगर आप देखें, बिल्कुल सेम है, बस आपको अपना व्यू देखना है कि एग्जैक्टली आप कहाँ खड़े होंगे, मंदड़िया बन के या थेजड़िया बन के। खैर मैं थोड़ा सा विषय को चेंज करता हूँ, और इस सीरीज के ऑलमोस्ट आप मिड में खड़े हैं, बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन अभी भी वो स्टॉक फ्यूचर्स जो कि मिड कैप में, लार्ज कैप में वाकई काफ़ी काबिले तारीफ चार्ट्स लेकर बैठे हैं, ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स लेकर बैठे हैं, फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स लेकर बैठे हैं, आइए देखते हैं हेमंत टुकराल, आदित्य बिरला मनी के क्या मानते हैं।
अगर आप रेट कट के लिए प्ले कर रहे हैं तो आपको उन बैंक्स में प्ले करना चाहिए जहां पे अभी भी शॉर्ट पोजीशंस काफी हैं, और मेरे हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई रहेंगे। दोनों लार्ज कैप हैं, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और इतना चलने के बाद भी दोनों के अंदर काफी अभी भी शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। मिड कैप में बात करें तो एक इंटरेस्टिंग पिक है इंडो काउंट करके, जहां पे कल बहुत ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, और ये लेटेस्ट एडिशन है एफएनओ में, ओपन इंटरेस्ट भी कल ऐड हुआ है। ये हम रिकमेंड कर रहे हैं बाय के लिए, स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं 950 का और हमें लग रहा है टारगेट 1010 का। ओके, ये तीन स्टॉक्स देखिए आपने, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, माफ कीजिएगा, और साथ ही साथ इंडो काउंट। बात करते हैं आज के हमारे जो मुख्य मेहमान है गौरव नाडे, उनकी कुछ कॉल्स की। गौरव, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, कहाँ तेजी हिलनी चाहिए कहाँ मंदी। अगर मैं निफ्टी को अभी भी मान के चलूँ कि 7480 पर ये क्रिटिकल सपोर्ट पे बैठा है, यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा, दो मैंडेट है, यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से पुल बैक लेगा, आप स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से पिक करेंगे पुल बैक ट्रेड के लिए या फिर शॉर्टिंग है नेट्स का? बिल्कुल, पुल बैक के लिए प्रोबेबली मैं मेटल सेक्टर में से एक स्टॉक देखूंगा, टाटा स्टील, जिसका ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट की तगार पे है अभी तो फिलहाल ये स्टॉक। 312 तक का मूव इसमें क्लियरली पॉसिबल दिख रहा है नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में, एंड प्रोबेबली ये एक अपने सेक्टर में भी आउट परफॉर्मर बनने के इसमें चांसेस काफी हाई है। इसमें जरूर स्टॉपलॉस लगाए रखना चाहिए ट्रेडर को 294 का, जिसके नीचे अगर सस्टेन होता है तब अपनी पोजिशन काट लीजिए, तब तक ये तो पॉजिटिव लग रहा है। ऑन द अदर हैंड एक नेगेटिव पोजीशन बनाई जा सकती है जेट एयरवेज में, जिसका छोटा मोटा पुल बैक के बाद अभी एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन पे दिख रहा है ये स्टॉक। हमारे हिसाब से 536 का एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, 535 के आसपास का, तो 536 का स्टॉप लॉस लगाए हुए इसमें शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है, प्रोबेबली फॉर अ टारगेट ऑफ 505-510 रेंज। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच अगर आप देखें लोकसभा में जो है रियल एस्टेट बिल जो है वो पेश हो गया है, तो आज के अगर आप देखें ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा में जो रियल एस्टेट बिल है वो पेश हो गया है। और मैं अगर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक कॉल हमने देखी, दूसरी कॉल आपकी गौरव, एग्जैक्टली मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी जानना चाहूँगा, ऑप्शन के जरिए अगर मेरे को थोड़ा सा मार्केट में चलना है आगे, मंदी खेलनी तेजी खेलनी, ये आपका व्यू होगा, कौन सा ट्रेड पिक करेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, कंसिडरिंग 7480 अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, हालांकि वो ब्रीच करता है तो अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हो जाएगा जो हमारा व्यू है। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड एक लार्ज कैप स्टॉक का हम अगर चार्ट देखें, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो काफी बेहतरीन बनते हुए नजर आ रहा है। हमारे हिसाब से 1040 का इसमें कॉल लिया जा सकता है नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन। हमारे हिसाब से ये इसका 24 तक का मूव क्लियरली पॉसिबल दिख रहा है नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन में, और हम इसमें ₹8 का स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एक चीज मैं यहाँ पे इनफैक्ट बोलना चाहूंगा, देखिए ये ऑप्शन ट्रेड है रिलायंस पर, 1023 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, और 1040 की कॉल का लक्ष्य लगभग ₹24 और स्टॉप लॉस तक यहाँ पे ₹8 का रखना है, और टारगेट आप मान के चलिए करीब करीब ये 12, ये डबल ऑलमोस्ट आप देखिए, वैल्यू एट रिस्क ₹4 और ₹12 कमाने के लिए, क्योंकि 24 का टारगेट मान के चल रहे हैं। देखिए निफ्टी 50 अंक नीचे है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे अलर्ट के तौर पे कहना चाहूँगा, जिसको आप जाइए और देखिए, निफ्टी 50 अंक नीचे है लेकिन निफ्टी बैंक को देखिए इस वक्त, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, और निफ्टी बैंक को जाकर एक कसौटी में जरूर पर रखिएगा कि ऑप्शन प्लेयर क्या कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए ऑप्शन प्लेयर इस वक्त निफ्टी बैंक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं। मेरे पास जो अभी आंकड़े हैं ताज़ा एनएससी के आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक आज 16,000 की कॉल में 8,940 शेयर जुड़े हैं, और इसका आउटस्टैंडिंग ओआई माफ कीजिएगा वो अब 15,500 की कॉल से ज़्यादा यानी ओवरशूट कर गया है लगभग 40,000 के क्वांटम में। और आज आप ये भी देखिए कि 15,000 की जो स्ट्राइक की कॉल है उसमें कोई राइटर नहीं है जो पहले हावी था, आज वहाँ पे इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग है, 1700 शेयर घटे हैं। और एक और चीज़, जिस जोन के पास हम बार बार पिछले 4-5 सेशन से जा रहे थे 15,000, वहाँ पे आज पुट राइटर इतना हावी है कि उसने 50,000 शेयर जोड़े और आउटस्टैंडिंग वाई 15,000 की पुट का अब है 6,10,000। आई थिंक ये सबसे बड़ा डाइवर्जेंस है। गौरव क्या कहते हैं आप निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर माफ कीजिएगा, फ्यूचर लॉन्ग करेंगे इन लेवल्स पे, 15,000 की पुट राइट करेंगे, 16,000 की कॉल बाय करेंगे, या फिर 16,000 पे जो प्रीमियम आपको मिल रहा है उसको राइट करना ज्यादा अच्छा होगा?
जी हाँ बिल्कुल, अगर करंट ट्रैजेक्टरी में देखूं तो निफ्टी बैंक की काफी बेहतरीन लग रही है इन कंपैरिजन टू द निफ्टी। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जबकि निफ्टी धसा हुआ है, निफ्टी बैंक में करीबन आधा परसेंट की तेजी है, और ये जो ओवरऑल कैंडलस्टिक भी बन रहा है वो क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि शायद यहाँ से अपसाइड हुए। प्रॉबेबली हम लोग नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में तो कुछ ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन एक बार ये इवेंचुअली प्ले आउट हो जाता है उसके बाद निफ्टी बैंक में अच्छा खासा मूवमेंट होने के चांसेस है। इसके चलते हमारे हिसाब से छोटे मोटे कोई भी पुल बैक आते हैं 15,300-15,250 के रेंज में निफ्टी फ्यूचर्स अक्यूमुलेट करना चाहिए निफ्टी बैंक का। हमारे हिसाब से चांसेस है कि इसमें 15,600-15,750 तक के तो मूवमेंट आ ही जाएगा। 15,500 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है जो मोमेंटम ट्रिगर पॉइंट भी रहेगा इंडेक्स के लिए, और जैसे कि आपने कहा 15,000 एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस भी रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे निगाह रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।